तो हर रन कैसे हो, आई होप कि सब बढ़िया होंगे, ठीक ठाक होंगे। फाइनली गाइस सनी देओल की ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर गदर 2 की बात करने वाले हैं। डे नंबर 11 गाइस मंडे, आज के लिए इसकी एडवांस हो गई है वो कितनी हुई है, एंड आज गाइस हम ये कितना क्वेश्चन करते हुए नजर आ रहे हैं। भाई शोज की बात करेंगे, भाई साहब कितने ड्रॉप हुए हैं आज, एंड कल का क्या रिलीज डेट, कितना क्वेश्चन करते हुए नजर आ रही है, नाइट की ऑक्यूपेंसी वगैरह गाइस कितनी रही है, बात करते हैं फुल डिटेल्स। छोटे चैनल क्या कर रहे हो यार, जल्दी से कर लो सब्सक्राइब इसी तरह अपडेट इस वीडियोज के लिए। तो भाई नाइट की ऑक्यूपेंसी देखो लगभग 70 के आसपास रही, एज अ कंपेयर इवनिंग के मुकाबले गाइस ड्रॉप हुई है, एंड कल के लगभग गाइस ओवरऑल 73% के आसपास ऑक्यूपेंसी रही है, यानी 336 है तो इसका ऑलरेडी हो ही चुका है। तो इसमें से गाइस मैंने जो प्रश्न सभी को बताई थी शाम को वही सेम ही है, 41 करोड़ 40-41 करोड़ के आसपास, यानी 340-30 हो गया, 376-377 करोड़ के आसपास आज मेकर्स की तरफ से गाइस पे पोस्टर है वो आ सकता है। लास्ट पोस्टर उनका 336 और आज 376-377 करोड़ के आसपास रहने वाला है। बाकी वेट है गाइस 2000 घंटे के बाद ये फिगर है गाइस वो आ जाएगी, और अगर ऐसा होता है तो ये दंगल को वेट कर देगी। बाकी टाइगर हो गया जो भी है गाइस, टाइगर जिंदा, संजू हो गया, पिक्की हो गया गाइस, ये सभी मूवी को वेट कर देगी, और सिर्फ इसके आगे पठान बचेगी। बाकी गाइस हिंदी का यहाँ पे बात करूँ तो KGF हो गया, अगर दब भी ऐड करूँ तो बाहुबली हो गया, एंड यहाँ पे पठान हो गया, तीन हो गया, और चौथी हाईएस्ट प्रश्न करने वाली मूवी बन जाएगी सिर्फ अपने 10 दिनों में ही। तो फाइनली गाइस अब बात करते हैं आज की टुडे की। तो सबसे पहले गाइस मैंने कल शाम को सभी को बता दिया कि अर्ली एस्टिमेट से एडवांस हो गया 2.60 करोड़ के आसपास, बट गाइस ऐसा नहीं हुआ, थोड़ी सी ज़्यादा हुई है। बात करते हैं शो पर सबसे पहले, NCR में गाइस 890 शोज में लगभग 24 शो फुल है, 44 शो फिल्म फास्ट चल रहे, और 8% ऑक्यूपेंसी। एज अ कंपेयर में देखो गाइस शोज तो NCR में लगभग मिलते जुलते ही है आज हो गया, एंड जो संडे के शोज थे। मुंबई की बात करते हैं 600 शोज में गाइस 400 फुल, 10 शो फिल्म फास्ट, 6% ऑक्यूपेंसी, जो कि यहाँ पे शो देखूँ तो सासू का शो ड्रॉप हुए, अच्छे खासे ड्रॉप हुए एज अ कंपेयर संडे को। यहाँ पे मुंबई में पुणे 270 शो में 3 शो फुल, 10 शो फिल्म फास्ट, जो कि 288 शो आसपास थे यहाँ पे संडे को, जो कि यहाँ पे 18 शोज हैं वो ड्रॉप हुए हैं। बेंगलोर 194 शोज में गए 2 शो फुल और 3 शो फिल्म फास्ट के साथ, यहाँ पे इतनी ज़्यादा नहीं है गाइस, 218 शोज थे यहाँ पे संडे को, शोज यहाँ पे भी ड्रॉप हुए हैं लगभग, देखूँ मैं तो 24 शोज गिरे हैं। हैदराबाद 210 गाइस मुझे खाली खाली दिख रहा है, बाकी 220 शोज थे यहाँ पे संडे को, 10 शोज हैदराबाद के अंदर भी ड्रॉप हुए हैं। बात करते हैं अहमदाबाद की, 500 शोज में 14 शोज हैं गाइस फुल चुके हैं, जो कि 27 शो फिल्म फास्ट थे, एंड 547 शोज थे संडे को, यहाँ पे 47 शो ड्रॉप हुए अहमदाबाद में। बात करते हैं सूरत के, 260 में 6 शो फुल, 10 शो फिल्म फास्ट, जो कि 309 शो थे संडे को, भाई साहब यहाँ पे तो 60 हो गया, 69 शो ओनली फॉर सूरत के अंदर ड्रॉप हुए हैं, बिग ड्रॉप। मैंने कल शाम आसोई को बता दिया था कि आज के लिए शोज हैं वो अच्छे खासे ड्रॉप होते हुए हमें नजर आ सकते हैं, जो कि ऐसा हो भी रहा है। जयपुर की बात करते हैं, 165 में गाइस यहाँ पे 3 शो फुल हैं, 7 शो फिल्म फास्ट के साथ, 10% ऑक्यूपेंसी, जो कि कल 174 शो थे, यहाँ पे भी शोज हैं ड्रॉप हुए हैं। और वर्किंग डे गाइस आप यहाँ पे जो हाउसफुल शोज हैं फिल्म फास्ट हैं वो इतने ज़्यादा नहीं है, और मैक्सिमम इतना ही होता है वर्किंग डे में ये, और इसका बैटअप हो भाई साहब तीन बताते हैं लास्ट नंबर्स कितने हैं। अगर आज 70 शोज में गाइस 8 शो फुल है और 3 शो फिल्म फास्ट है, इतना ज़्यादा नहीं है हमने, क्योंकि जब से ही आई है तो इतना कम नंबर्स अभी तक तो देखा नहीं था, इसलिए आपको कम लग रहा होगा। नंबर्स की बात गाइस तो 2.96 करोड़, जी हाँ गाइस 2.96 करोड़ की आज के लिए इसकी एडवांस हो गई गाइस वो हुई है विदाउट ब्लॉक सीट्स। टिकट्स की बात करूँ 1.41 लाख टिकट्स हैं आज के लिए सोल्ड आउट हैं वो हुए हैं। एज अ कंपेयर जब से मूवी रिलीज हुई है तब से लेके अब तक मैं टिकट्स प्राइस की बात करूँ तो सबसे सस्ता टिकट्स भाई अब भी 180 के आसपास एवरेज टिकट्स प्राइस, जो कि इससे पहले 205 और हाईएस्ट 230 को टच किया था। भाई मेकर सब वर्किंग डेज में प्राइस कम कर गए, एंड गाइस ये रहा सब कुछ। बाकी देखो 3 करोड़ कम नहीं है, 2.36 करोड़ की बोला के लिए फर्स्ट डे के लिए एडवांस बुकिंग हुई थी, एंड बाकी केरला सॉरी 1.31 करोड़ के लिए फर्स्ट डे के लिए उसकी एडवांस बुकिंग हुई थी, और 3 करोड़ लगभग 50 लाख के आसपास हुई थी यहाँ पे किसी का भाई किसी की जान फर्स्ट डे के लिए एडवांस बुकिंग। तू जूठी में मकार 3.60 करोड़ उसके फर्स्ट डे के लिए एडवांस बुकिंग हुई थी, और 4 करोड़ की एडवांस बुकिंग हुई थी रॉकी और रानी की प्रेम कहानी फर्स्ट डे के लिए,
इसलिए भाई ये नंबर्स है वो कम बिल्कुल भी नहीं है। बाकी आप 22 में भी देखोगे तो ज़्यादातर सभी की सिमिलरिटी थी, चाहे फिर राम सेतु हो, लाल सिंह चड्ढा हो, चाहे फिर भूल भुलैया क्यों ना हो, वो भी कुछ ज़्यादा कमाल नहीं करवाई थी ओपनिंग में। चलो वो क्लश में उसने अच्छा खासा कर लिया था। तो गाइस ये रहा सब कुछ और कितना कर सकती है आज। देखो अभी मुंबई हो गया, NCR हो गया, वहाँ पे क्लियर शोज़ है, वो अभी नहीं लगे हैं कि आज कितने शोज है वहाँ पे रहने वाले हैं। अभी आगे पीछे नंबर से गाइज वो हो सकता है, बट गाइज फिर भी एडवांस बुकिंग हो या ना हो भाई उम्मीद है पब्लिक तो जाएगी भाई वो दौड़ दौड़ के, एंड 15 करोड़ के आसपास तो मुझे अभी दिख रहा है। जी हाँ गाइज 15 करोड़ के आसपास, इससे ज़्यादा जा सकता है। इसके रिलेटिव हमारा एपिसोड आएगा जब इसके टोटली शोज है गाइस आज के लिए लग जाएंगे, एंड 10,500 के आसपास शोज थे इसके पास यस्टरडे को। अगर इसके पास आज 8,000 के आसपास शोज होते हैं तो भाई साहब इजली ये यहाँ पे 17 करोड़ के आसपास क्रश है वो कर सकती है। बट हमें शोज़ का वेट करना पड़ेगा कि ये शोज़ कहाँ तक जा सकते हैं। फिलहाल गाइस मुझे 15 करोड़ के आसपास अब भी दिख रहा है विदाउट शोज़ देखे भाई, बड़े बड़े सिटी जैसे मुंबई हो गया, NCR हो गया, अभी क्लियर पता नहीं है कि शोज़ यहाँ पे कितने लगने वाले हैं। यानी इतना कर दिया 15-16 के बीच में भी, तब भी ये अपने 11 दिनों में 390+ तो चली जाएगी, यानी ट्यूजडे तक ये 400+ क्लब में भी शामिल है गाइस वो हो जाएगी। तो फिलहाल गाइस अब भी के लिए उतना ही, आई होप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। बाकी गाइस रिकॉर्ड ब्रेकिंग जो भी है वो 11, 12 बजे, 1 बजे बीच में आप सभी को बताया कि एपिसोड आता है। बाकी जो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो सब्सक्राइब नहीं क्या कर रहे हो यार, जल्दी से कर लो सब्सक्राइब। अगर मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड, तब तक के लिए